नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त तो चला है फेस टू फेस का। तो देश का अन्नदाता हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस की रडार पर रहा है और एक बार फिर दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस को देश के अन्नदाता का दर्द महसूस हुआ है और यही दर्द छलका सोशल मीडिया पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए किसान हित की बात करते हुए कहा है कि देश का अन्नदाता हमारी प्राथमिकता है। वहीं योगी सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने ट्वीट में जिक्र किया कि सरकार ने किसानों को हर मोर्चे पर चला है और आज किसान को फसल का दाम नहीं मिलता, खेती की लागत बढ़ गई है जिससे किसान हर तरफ से ठगा सा महसूस कर रहा है। और ऐसे में सियासी दलों का गुणा भाग बनाने और बिगाड़ने वाले इस वोट बैंक को कांग्रेस अपने दाब से और बीजेपी अपनी योजना से लुभाने में लगी है। बेशक 2022 दंगल शुरू होने में अभी भले ही कुछ वक्त बाकी हो, लेकिन दाव पेच अभी से जारी है और इसी के साथ यूपी में शुरू हो गई है किसान पॉलिटिक्स। तो आज इसी मुद्दे पर फेस टू फेस होंगे हमारे खास मेहमान बीजेपी नेता कैप्टन आई सिंह जी और कांग्रेस नेता विनोद सिंह जी। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत सर आपका। कांग्रेस को आई किसानों की यार, ट्विटर पर छलका प्रियंका का दर्द, किसान के बहाने सरकार पर निशाना, देश का अन्नदाता हमारी प्राथमिकता, ये कहना है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का। दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस को फिर एक बार अन्नदाता की याद आई है। दरअसल यूपी की जिम्मेदारी संभाल रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान जागरण यात्रा शुरू की है। इसी सिलसिले में प्रियंका ने ट्वीट कर किसानों के लिए हमदर्दी जताई और यूपी सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका के ट्वीट के बाद सियासी हलचल मचनी ही थी, सो मची भी। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार हो या यूपी की योगी सरकार, दोनों ने किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्नदाता की मुश्किलें आसान करने में लगातार जुटी हुई है। डबल इंजन वाली सरकार में किसानों के लिए कई योजनाएं भी लाई गई है। मसलन 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा जिससे 2,38,00,000 किसानों को फायदा मिलेगा। 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को 1 लाख तक की कर्ज माफी का लाभ मिला। उन्नत खेती के लिए किसान पाठशाला योजना चलाई गई है जिसके तहत 10 लाख से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के जरिए खेती के योग्य मिट्टी को बेहतर बनाने की जानकारी मुहैया कराई जाती है। इसी तरह कृषक कल्याण योजना से किसानों को कई तरह के फायदे हैं। कृषि प्रधान देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में करीब 2,33,00,000 किसान आबादी है, जिनमें 1,85,00,000 सीमांत और 30,00,000 लघु किसान हैं। इस हिसाब से सूबे में लघु और सीमांत किसानों की संख्या करीब 2,15,00,000 है। यही वजह है कि यूपी का किसान चुनावी नजरिए से हमेशा सियासी दलों के लिए अहम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो किसान हमेशा से बीजेपी कांग्रेस की रडार पर रहे हैं और इतना बड़ा वोट बैंक को लुभाने की कोशिशों में लगातार ये सियासी दल जुटे रहे, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस को किसानों की याद आई है और अन्नदाताओं के प्रति प्रेम छलकाते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता अन्नदाता है। और अब इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होगा हमारे खास मेहमान जो फेस टू फेस होंगे। और चर्चा की शुरुआत आई सिंह जी, मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने सुना, पूरी रिपोर्ट आपने देखी, प्रियंका गांधी का एक बार फिर से ट्विटर वोट जो है वो यहां पर छिड़ गया है और कांग्रेस को एक बार फिर से अन्नदाता की याद आई है, लेकिन साथ ही यूपी सरकार पर भी उन्होंने सवाल और तंज कसा है कि हर मोर्चे पर किसान को छला। कांग्रेस का ये शुरू से रहा है, आज दिन तक किसान को छला किसने है? कांग्रेस ने ही तो छला है। मैं प्रियंका जी से जानना चाहूंगा कि आपकी सरकार सबसे ज्यादा केंद्र में रही, 60 साल आपने राज्य किया, आपने किसानों को क्या दिया? किसानों का गन्ना समर्थन मूल्य आपने 100 से ऊपर नहीं आने दिया,
हमारी सरकार जब से माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, हमने वहाँ समर्थन मूल्य 300 से भी बढ़ा के ऊपर कर दिया है, अभी फिर बढ़ाया है। और किसान के लिए हम नए नए उपकरण ला रहे, किसान के लिए टेक्निकल शिक्षा हम दे रहे, किसान को हम फसल बीमा दे रहे, उनको अच्छे अच्छे बीज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको दुर्घटना बीमा दे रहे हैं। हम किसान के लिए एक नई योजना ला रहे हैं, मात्र अभी हमारे 5 साल यूपी में हुए भी नहीं है। और हमने एक सीधा जो दिया है किसान को, जो 6,000 रुपये सीधे किसान के खाते में जा रहे हैं, तो हमने किसान के लिए जो इतने दिन में किया है, इन्होंने 60 साल में नहीं किया। तो प्रियंका जी अपने आप को स्थापित करने के लिए किसान को फिर बरगला रही हैं, किसान के माध्यम नाम से जो है ना यूपी में वो स्थापित होना चाह रही हैं। मगर यूपी का किसान बहुत समझदार है, यूपी का क्या पूरे देश का किसान समझदार है, वो जान चुका है कि आपने 60 साल में सिवाय हमें छलने के अलावा और कुछ नहीं किया है, हमारे साथ छलावा किया है कांग्रेस ने। तो अब जो है ना इनकी प्रियंका जी की बातों में किसान आने वाला नहीं है, प्रियंका जी के जो झूठे लोभ लुहाने जो वादे हैं वो जो है ना अब नहीं चलेंगे, जनता बहुत समझदार है। देखिए कितनी बातें इन्होंने कही, ये बातें इसी तरीके से हैं जैसे प्रधानमंत्री रोज झूठ और जुमले की बात करते हैं, धरातल पर उसका कोई सच्चाई से वास्ता नहीं रहता है। कांग्रेस पार्टी ने 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल लेके आई, जिसमें किसानों के साथ जितनी सहूलियतें हो सकती थी किया गया, तार्किक तौर पर संवैधानिक दायरे में रहते हुए जितनी किसानों को मदद हो सकती थी हमने किया। ये मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी के घोषणा पत्र में 2022 तक दोगुनी कैसे करेंगे किसानों की आय, उसका रोड मैप इनके पास, भाजपा के किसी नेता के पास इसका जवाब नहीं है। आज जब महंगाई दर, खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 14% के आसपास है, कैसे लाएंगे? देश के इनके सांसद ही कहते हैं जीडीपी की हालत 1.5% है। आप बताइए कम से कम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अब तकरीबन 15% के आसपास का विकास दर चाहिए। तो केवल झूठ और जुमले के सहारे किसानों को छलने और ठगने का प्रयास जारी है, ये नहीं होने देंगे। और प्रियंका जी बड़ी संवेदनशील और किसानों के लिए किसानों की बात करने वाली नेता हैं, और वो किसानों की लड़ाई लड़ेंगी। किसानों के साथ आपको मनमर्जी, खिलवाड़, झूठ और जुमलेबाज की राजनीति आपको नहीं करने देंगी, आपकी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रियंका गांधी जी से इतने डरते क्यों हैं, क्यों इतना परेशान हो जाते हैं? वो जायज मुद्दे उठाती हैं। सिंह जी आप डरते हैं? देखो हम किसी से डरने वाले नहीं है, प्रियंका गांधी से हम डरेंगे क्या? प्रियंका गांधी को यही मालूम, जहां प्रियंका जी का नाम आया पूरी भाजपा परेशान हो जाती है। सुने प्रियंका गांधी से हम क्या डरेंगे, हमारी पार्टी क्या डरेगी? प्रियंका गांधी किसान की बात करती है, अगर उनसे किसान से जुड़े हुए दो शब्द पूछ लिए जाए तो प्रियंका गांधी ऐसा ही है? प्रियंका बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसी यही तो इनकी प्रियंका गांधी उसका जवाब नहीं दे पाएंगी। किसानों के बीच में रहती हैं, कभी खेत किसानों के सुख दुख में हर समय साथ रहती हैं, और क्या बेहतर हो सकता है पार्टी के तौर पर, नेता के तौर पर जुड़े हुए दो सवालों का जवाब देने, उन्हें यही मालूम नहीं कि किसान होता क्या है, किसान से जुड़े हुए मुद्दे प्रियंका गांधी जानती देश निर्माण में जिन्होंने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा है, आपकी तरह नहीं, हवाई जहाज से चलने वाले किसानों को क्या समझे कि किसानों का दुख दर्द क्या होता है? हम किसानों के हाथ को सशक्त करना चाहते हैं, आप उद्योगपतियों के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत। पर विनोद जी रह रहकर प्रेम क्यों जगता है? आखिर किसानों को लेकर या तो बरकरार आपकी कवायद रहनी चाहिए, रह रहकर ये प्रेम क्यों छलकता है? नहीं, हमेशा छलकता है, किसान हमारे भाई हैं, लेकिन जब ज्यादा आवश्यकता पड़ती है किसी नेता अब को तो इनिशिएटिव ले रही है सरकार, जब इनकी गलत नीतियां से सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। किसान के आज आत्महत्या करने को मजबूर नहीं है, आपने देखा प्याज के किसानों, टमाटर के किसानों, आलू के किसानों पिछले दिनों में सबके मार्केट भाव से उनको रेट मार्केट भाव का भी नहीं मिलता, और उसकी कालाबाजारी भाजपा के संरक्षण में भाजपा के नेताओं द्वारा होती है, इनके ऊपर बाजार का कंट्रोल नहीं है, तो हमारा किसान ठगा जाएगा? केवल उसको उत्पादन केवल वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगी? आईसिंह जी क्यों ठगा जा रहा है? इनिशिएटिव तो आप ले रहे हैं, लेकिन क्यों? सुने जवाब ले, इन्होंने कहा कि किसान के साथ ऐसा नहीं होगा, किसान ठगा नहीं जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जो किसान की बात कर रही है, किसान को किसने ठगा? उनके पति रोड बड़ेरा ने किसानों की जमीन बेच दी और किसानों की बात करती है, किसानों की जमीन जो है ना हत्या के और बेच दी,
अरबों खरबों रुपए उसमें कमा लिया, तो ये किसान की हित ऐसी हो सकती? जिस किसान की जमीन ही बेच दी उसके साथ ये क्या करेंगे? तो इन जो है ना, हमने समर्थन मूल किसान, आप अपना बताइए, गुजरात के केंद्रीय मंत्री, गुजरात के मंत्रियों ने क्या किया वहां के किसानों के साथ? बीच में ना बोले, प्रेम से सुने डिबेट को। सर फॉर्मेलिटी यही है, वो अपनी बात रख सकते हैं, फेस टू फेस आप दोनों। हमने किसान को समर्थन मूल डबल कर दिया, किसान को हमने जो है ना बीमा, किसान बीमा योजना दी, किसान को हमने जो जो सुविधा दी और दे रहे हैं, हम प्रतिबद्ध हैं किसान को हर तरह की सुविधा देने को, किसी भी नेता को, किसान को कथन था 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2022 में किसान की आय डबल से भी ज्यादा ले जाएंगे, बताएं कैसे आय दोगुनी होगी? आज किसान डबल से ज्यादा आय किसान की करने वाले हैं 2022 किसान की हालत, किसान की इस दुर्दशा में लाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आप कैसे 2022 तक जिम्मेदारी के साथ बताइए? हम किसान के, किसान से जुड़ी हुई पार्टी है, हम खेत किसान से निकले, कोई लेना देना खेत किसान से, कहां गए आपके प्रोसेसिंग यूनिट? आप निकले हुए हैं, हम इटली, हम इटली से लैंड करके नहीं आए, हवाई जहाज से अपने खेत किसान से निकले हैं, और खेत किसान की बात करते हैं, हम किसान की पीड़ा समझते हैं। आप जो है ना, आप आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, सोना पैदा करते हैं, आधुनिक कृषि की बात आप करते थे, आलू से सोना पैदा नहीं करते हम, बंद करिए झूठ, समझते हैं आप केवल झूठ के सहारे, समझते हैं झूठ के और झूठ के सहारे, कैसे हमने फायदा देना है उसका, कैसे हमने कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी और किसानों को राहत देने के, हम सीधा किसान को देना चाहते हैं, हम किसान की जमीन बेचना नहीं जानते, बिल्कुल नहीं, किसान की जमीन हथिया के हम बेचना नहीं जानते, किसानों की नहीं किया है ना करेंगे, उचित मूल्य हमने दिया, सही कर सकती हम जो बिल आए उसके माध्यम से उन्हें न्याय मिला, आप क्या बात कर रहे हैं? किसान की जमीन बेचने वाले किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर आ गए इंदिरा गांधी, जवाब दे देश के, इंदिरा गांधी जवाब दे के किसान की जमीन आपके पति रोहन परेरा ने क्यों बेची? उनको जवाब चाहता हूँ, आज आप किसान की बात कर रही हो तो इसका बेरोजगार युवा आत्महत्या करने पर मजबूर, साल में आपने किसान को क्या दिया? हो रहा है आपने 60 साल में किसान को क्या दिया? मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, आप अपना 60 साल का हिसाब दें और हमारी सरकार 5 साल 2014 के बाद भी आप 60 साल की बात करेंगे? 2014 में तो आप इस दावे के साथ आए थे कि हर तरफ खुशहाली होगी, स्वर्ण युग आ जाएगा, ऐतिहासिक युग आ जाएगा, आपकी गाड़ी पीछे खुशहाली ले जा रहे हैं। विनोद जी, उस ओर बढ़ रही है और भी हाल ही में बजट में भी आपने इनिशिएटिव ले तो रही है, या तो आप तो इतना कार्टून बजट है, मैं क्या कहूं, गोदा पहाड़ निकली चूहिया भी नहीं, ऐसा बजट रहा अभी तक का सबसे बेकार बजट इन्होंने दिया है। और केवल नौग्रह कंपनियां जो कांग्रेस ने 70 साल पूछते हैं क्या किया 70 साल में, साधन संसाधन बजट में स्थितियों का सामना कर रहे हैं, नौग्रह कंपनियों को हमने दिया, ये लगे हैं बेचने में, एलआईसी को बेचेंगे, एनजीसी को बेचेंगे, बीपीसीएल को बेचेंगे, जो हमारी कंपनियां थी हमारे बजट से बेचने का काम हुआ है, घूस कांग्रेस का काम है, इनके पास कोई नीति नहीं है, झूठ बोलना पूरी तरीके से कांग्रेस काम हो सकता है, इसलिए जो है ना जनता भी इनको बरगला रही है, इनको जनता जीरो पे ले जा रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को बराबर वहां की जनता ने जिताया और इन्होंने वहां जनता को बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बना बना के अमेठी वालों ने ऐसा तमाचा मारा है राहुल गांधी के मुंह पे, उत्तर प्रदेश छोड़ के भागना पड़ा, दूरदर्शिता से कांग्रेस चेहरा आम के सुधार होता है। आ गया है कि कांग्रेस का हाथ आप सरकार में रहते हुए भी सरकार कांग्रेस का साथ देशद्रोहियों के साथ, आप कांग्रेस का विकास देशद्रोहियों का जानकारी नहीं है, तो कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है, वहाँ देशद्रोही के अलावा ये कुछ नहीं कर सकती, वहाँ की बात करते हैं, आज देखा, आज देखा होगा कि दिल्ली को कांग्रेस ने बंधक बनवा दिया है, कभी आज दिल्ली में कांग्रेस बंधक बनाए बैठी है, दिल्ली को आप बांग्लादेशी को चावल से खाते हैं, आज किसान परेशान है, आप कराची हवा चावल से खाते हैं, आज यहाँ आम बड़े चावल से खाते हैं, सर्विसमैन परेशान है, स्कूली बच्चे परेशान है, ये कांग्रेस की जन है दिल्ली में, सुधार कैसे आप करेंगे? आप उसमें विफल हो चुके हैं, आप मान लीजिए अभी भी समय देश के किसानों के साथ मत खेलिए, देश का किसान भाई हमारे देश की प्रगति में उतना ही योगदान है, महत्वपूर्ण है जितना और कोई
कर गए, आप ऐसा क्यों जाती कर रहे हो? किसानों के साथ जाती मत करिए, बहुत जल्दी आपको मुंह काला करके भगाने वाले हैं। विनोद जी, इतनी हितैषी होने की बात आप किसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप बाहर क्यों हैं? क्यों बाहर कर दिया है जनता ने? देखिए, जनता जनता ने हमें बहुत सारा प्यार दिया, और रहने का ये प्यार चलता है आपका, इतने सालों तक इन्होंने जनता ने प्यार दिया, इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया, जनता को झूठे सपने प्यार दिया, इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया, झूठे सपने दिखाए इन्होंने जनता को, झूठे नहीं, हमारे धरातल पे काम आए हुए लोग हैं, लेकिन अब ये बेनकाब हो गए हैं। भारत की जनता, भारत का किसान सत्य प्रेमी है, वो विवेकपूर्ण फैसला लेगा, और अब कांग्रेस लाओ देश बचाओ, जन जन की यही पुकार, घर घर की यही पुकार, कांग्रेस लाओ देश बचाओ। भारतीय जनता पार्टी ने देश का जो नुकसान किया है, अब देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। क्या होती है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि किसानों की पीड़ा, हालांकि हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं और काम भी किया है, लेकिन अगर गन्ना किसानों की अगर हम बात करें तो आज भी बकाया है, और अगर अभी बताएं कि भी पेराई सीजन जो है वो शुरू हुआ ही है, और चार महीने में 5,896 करोड़ बकाया है, और पिछले अगर सीजन की बात करें पेराई सीजन में तो 996 करोड़ बकाया है, उसका क्या सर? वो पीड़ा दिखाई नहीं देती आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम पूरा हर चीज को जो है ना कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं सर। जो आप काम कर रहे हैं वो आप दिखा देते हैं, जहाँ नहीं हो रहा उसको क्यों नहीं दिखाते सर? नहीं नहीं, हर जगह हमारा काम चल रहा है, हम कहीं काम अपना छोड़ते ये नहीं है। अरे क्यों सर, हमारा हर जगह काम चल रहा है, बहुत बखूबी चल रहा है। हमारी जो योजना है उसका कोई असर, हमने हमने गरीब हमने गरीब किसानों को 13 करोड़ से ज्यादा हमने गरीब किसानों को गैस चूल्हा दिया, जिससे देश हमने इतनी योजना दी है किसानों, आज गरीब महिलाओं को गरीब किसानों को हमने धुएं से मुक्त करा दिया सर। 14 दिनों में सत्ता में आते ही 14 दिनों में भुगतान की बात कही गई थी आईसीएम जी, 14 दिनों में सत्ता में आते ही यहाँ पर भुगतान की बात कही गई थी, लेकिन अब बकाया का जो मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा है तो क्यों नहीं हो पा रही है? क्या आप लोग भी उसी, हालांकि मैं कह रही हूँ कि इनिशिएटिव आप ले रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ नहीं हो रहा है उस पर भी तो फोकस करना होगा ना सर, या फिर यहाँ पर कि गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात कर दो? नहीं नहीं नहीं, वो तो जुमला था, वो तो जुमला था, काम चल, हमारा काम हो रहा है, जगह जगह भुगतान हो रहा है, जहाँ रह रहे वहां भी होंगे, कोई नहीं रहे, होंगे 14 दिन 6 साल हो गए, आप कर चुके हैं इतना समय, भारत के किसानों की, भारत के नौजवानों की धैर्य की परीक्षा लेना बंद करिए, आप धैर्य की परीक्षा लेने का काम करेंगे, मन मर्जी चलाएंगे, भारत ही चलाएंगे, और देश के देश के भारत के किसानों के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आप सरकार में आए हैं, हमें दिया है जो हमने किया है, झूठ बोलेंगे आप, झूठ बोलेंगे, पद की गरिमा पूरी पार्टी झूठ बोलने लगी है, पूरी पार्टी सर झूठ बोलने लगी है, आपका चरित्र और चेहरा जनता जान चुकी है, उत्तर प्रदेश में आपको ऐतिहासिक बेरोजगारी है, पिछले 40 साल की देश में देश ने आर्थिक मंदी है, देश में किसानों की हालत बद से बदतर है, लघु मध्यम व्यापार है नहीं, आप कहां देश को, देश में क्या कर रहे हैं आप, क्यों देश के लोगों की स्थिति से खेल रहे हैं आप, क्यों देश के लोगों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं आप? कांग्रेस की तरह नहीं है हमारी, आपने देश की जनता को ठग लिया है, देश के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम, और कांग्रेस पार्टी आपको ठगने नहीं देगी, आपको लापरवाही करने नहीं देगी कांग्रेस पार्टी। आप तो सर ये लापरवाही आपको लापरवाही वक्त वक्त पर आप भूल जाते हैं, फिर एकदम से एकाएक आपको याद आता है कि हाँ किसानों का मुद्दा है, किसानों से हमें हित की बात करनी है, तो फिर एकदम से आपको याद आ जाता है, ये रह रहकर क्यों याद आता है सर? जुमलेबाजी तो आप ही करते हैं, 7-8 लोगों का राज रहा ना सर, सर आप बताएंगे, ये जिम्मेदार तौर पर सरकार सरकार को पूरा समय देते हुए, देखिए सरकार को पूरा समय, भारतीय जनता पार्टी ने हर विषय का राजनीतिकरण करें, हम पूरा समय देते हुए तब सवाल करते हैं और सवाल करेंगे, हर मोर्चे पर सवाल करेंगे, देश के हालत बदलने चाहिए, ये तो झोला उठा के आए थे और झोला उठा के चले जाएंगे, लेकिन इस झोला उठा के आने और जाने में हम देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। बहुत हो गया आपका अत्याचार, आपने अत्याचार किया है, आपने दुर्भ्रमित करने का काम किया है, आपने झूठ बोलने का
क्या काम किया है, आने वाले समय में देश की जनता करारा जवाब देगी, वोट के माध्यम से देगी। और आपने हर मोर्चे पर हर वर्ग को ठगने का काम किया है, झूठ बोला है। आराम मनाने के लिए हम बोला है में नहीं जाते, हम किसान के बीच में रहते हैं। आपको इसके अलावा कोई काम ही नहीं है आपके पास, आपको कोई सुध नहीं है। आप देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं। किसान की समस्या हम जानते हैं। जो भी वायदे आपने किए थे आज तक एक वादा भी आपने पूरा नहीं किया। 6 साल का समय बीत गया है, आप पीछे चले जाते हैं। अरे सरकार में आए हैं, नैतिक तौर पर संवैधानिक तौर पर जिम्मेदारी आपकी है, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। आपकी जिम्मेदारी क्या है सर? दशकों तक आप लोगों ने राज किया है, तब आपकी जिम्मेदारी कहाँ थी सर? अब आप ये जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं, हालांकि इनिशिएटिव तो ले रही है ना कम से कम सर। जितनी चीनी मिले हैं, जो इस समय स्थिति आज सब किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी हर समय किसानों की पार्टी रही है, किसानों की साथी रही है, किसानों के हर सुख में रही है। अरे कितना बकाया है, कितना बकाया है, आप आंकड़ों में मत उलझाइए। आप नहीं देते हैं, किसान के हाथ में कुछ नहीं जाता है। आपके घोषणा आपके मंत्री मुख्यमंत्री केवल घोषणा मंत्री है, वो कोई काम संवैधानिक नहीं कर रहे, केवल घोषणा देने का काम करते हैं। सिर्फ घोषणाओं से पेट नहीं चलता है, घोषणाओं से बच्चों की फीस नहीं दी जाती है। बंद करिए घोषणा वाली राजनीति, आप लोग घोषणा मंत्री सिद्ध हो चुके हैं। देश ने कह दिया देश का प्रधानमंत्री घोषणा मंत्री है, देश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के घोषणा मंत्री। नहीं नहीं नहीं, जमीन पर क्या हालात है आप ये देखिए। आप हमसे किसानों की बात करेंगे, किसानों को रूरल इकोनॉमी के लिए जेवर एयरपोर्ट पर जो प्रदर्शन देश का एजेंडा नहीं, आई सिंह जी जेवर एयरपोर्ट पर जो प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है, तो नाराजगी हालांकि कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं, मैं बार बार इसी चीज को दोहरा रही हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी मानेंगे कि किसानों में नाराजगी है और जेवर एयरपोर्ट पर यही देखने को मिल रहा है। किसान आंदोलनरत है, कैसे काम करते हैं, इनको कुछ करने का ढंग ही नहीं है, इन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। ये तानाशाही रवैये से झूठ बोलने की कांग्रेसी है, उनका काम तो है फिर कांग्रेसी। अरे किसान आंदोलनरत है, विरोध करेंगे। इनने हमने देश में धारा आर्टिकल 370 हटाया, कांग्रेस ने विरोध किया। अरे हमने किसानों से 370 पहुंच गए, देखिए इनकी दिक्कत रही है। पूछिए हम चाहते हैं, देश की जनता पूछ रही है हमारे थाली में रोटी का प्रबंध कैसे होगा, तो कहते नहीं मैं बताता हूँ मैं आम कैसे खाता हूँ। अरे राहुल ने देश की जनता को सूखी रोटी नसीब नहीं है, और आप आम खाने की स्टाइल बता रहे हैं जनता को। तमाशा चल रहा है, जुमलेबाजी की हद हो गई, झूठबाजी की हद हो गई, अनैतिकता की हद हो गई, तमाशा चल रहा है। आप ये प्रबंध करना चाहिए, देश का मजदूर, देश का किसान, देश का बेरोजगार के हाथ में रोटी कैसे जाएगी? आप तो पोहा खा के पहचान रहे हैं, आप तो कराची हलवा खाने में रहते हैं। अरे आप खाइए, लेकिन चिंता करिए किसानों की, चिंता करिए नौजवानों की, चिंता करिए छोटे व्यापारियों की, चिंता करिए आने वाले कल के भारत की, कल के भविष्य की। आप क्यों खेल रहे हैं? देश ये नहीं जानना चाहता है आप क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं। आपसे ज्यादा देश की जनता क्या खा सकती है? वो क्या खाने का प्रबंध आप कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी आप दोनों की बहस तो ये यूं ही चलती रहेगी, इस बहस का तो कोई एंड नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसान के नाम पर एक बार फिर से सियासत को गरमाने की कोशिश हो रही है। हालांकि 2022 में यूपी में चुनाव है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं भूमिका जो है वो बनती नजर आ रही है। लेकिन देश का किसान बेवकूफ नहीं है, और उसको हर बार आप बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। इसी के साथ इस फेस टू फेस में बस इतना ही। आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए।